दोस्तों कल रात एक शिनसोनिक केव से बाहर निकलता है हमारे विलेज पर हमला करने के लिए, क्योंकि उसे बहुत भूख लगी होती है। मुझे आज बहुत भूख लगी है, आज मुझे खाना खाना है। मैं किसे खाऊं? चलो इस घर में देखता हूँ, मुझे इस घर में कौन मिलता है, इस घर में कौन है। यहाँ तो दो बच्चे सो रहे हैं, क्या मैं इन्हें ही खा लूं? लेकिन चलो इनके घर में घुसता हूँ, आज मैं इन दोनों को ही खा लूंगा और मेरा पेट पूरा भर जाएगा। चलो इन दोनों को लेके चलता हूँ अपने साथ। अरे वाह, खाने का इंतजाम हो चुका है, चलो यहाँ से निकलता हूँ जल्दी और इसको लंच में नहीं डिनर में खाऊंगा। दोस्तों वो शिनसोनिक मेरे भाई को लेकर अपनी केव के अंदर जा रहा है और वो उसको डिनर के अंदर खाने वाला है। मेरे भाई को छोड़ दे प्लीज, शिनसोनिक छोड़ दे। हाँ गुड मॉर्निंग दोस्तों, लेकिन ये सब क्या है? यहाँ पर इतना सारा खून पड़ा हुआ है और यहाँ कहीं मेरा भाई नहीं है। मेरा भाई यहाँ से गायब हो चुका है। ओ हाँ, आई थिंक रात में कुछ तो हुआ था उसके साथ, लेकिन वो यहाँ पर है ही नहीं। ये खून के निशान, चलो खून के निशान को फॉलो करता हूँ और वहां पर वो स्कैरी केव। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं स्कैरी केव को जानता हूँ, मैं पहले भी इससे मिल चुका हूँ। और ये क्या, मेरा भाई मर चुका है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरे भाई को कोई कैसे मार सकता है। और इसके अंदर से डरावनी आवाजें आ रही हैं। इस केव के अंदर से डरावनी आवाजें क्यों आ रही हैं? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं अपने भाई को दोबारा जिंदा कैसे करूंगा? मुझे पुलिस को कॉल लगाना पड़ेगा और पुलिस को यहाँ पर बुलाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे भाई का मर्डर हुआ है, वो अपने आप नहीं मर सकता। दोस्तों मैंने कॉल लगा दिया है मिलिट्री पुलिस के पास और अब वो ही इस केस की इन्वेस्टिगेशन करेगी। ये पुलिस जो है ना, ये आर्मी पुलिस है, ये किसी को भी पकड़ कर फेंक सकती है। हेलो, मैं बोल रहा हूँ मिस्टर पुलिस, मुझे पता है तुम्हारे वर्ल्ड में क्या हो रहा है। मैं अपनी पूरी मिलिट्री फोर्स को लेकर आऊंगा और तुम्हारे वर्ल्ड में जो शैतान है उसको पूरा खत्म कर दूंगा और मैं जल्द ही तुम्हारे वर्ल्ड में आने वाला हूँ। मेरा इंतजार करना, बिल्कुल भी घबराना नहीं। ठीक है पुलिस अंकल, मैं तो सिर्फ अपने भाई की डेथ बॉडी देख रहा हूँ कि मैं उसको बचा नहीं पाया। मैं एक बहुत ही बुरा दोस्त हूँ जो अपने भाई को नहीं बचा पाया। वो कैसा दोस्त? इस केव के अंदर जो भी है मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, लेकिन मैं इसके अंदर जाने वाला हूँ और मैं देखने वाला हूँ कि आखिर वो कौन है इस केव के अंदर। दोस्तों मुझे बचाओ, ये कौन है? मुझे बचाओ प्लीज, ये तो स्कैरी मिमिक है। चलो अपने भाई की डेथ बॉडी लेके यहाँ से भागता हूँ। कहाँ भाग रहा है बच्चे? रुक जा, आजा मेरे पास, मेरे पास आजा बच्चे। कहाँ भाग रहा है तू? कहाँ भाग रहा है? मुझे अपने भाई की डेथ बॉडी को ठिकाने लगाना पड़ेगा, वरना ये शैतान जो है ना, मेरे भाई की डेथ बॉडी को भी नहीं छोड़ेंगे, उसे खा जाएंगे। मुझे माफ करना मेरे भाई, लेकिन मैं तेरी मौत का बदला जरूर 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 लूंगा। मुझे माफ कर देना भाई, मैं तेरी जान को बचा नहीं पाया। मुझे माफ करना मेरे भाई, माफ करना। चलो दोस्तों यहाँ से चलते हैं, और अभी तक मिलिट्री पुलिस भी नहीं आई है। हाँ यार, ये क्या हो रहा है? ये बाहर कौन आ चुका है? चलो मैं देखता हूँ, ये तो मिलिट्री पुलिस है। हेलो मिलिट्री अंकल, मैं आ रहा हूँ। वेट करो, अंकल के पास जाता हूँ, उनको सारी बातें बताऊंगा कि यहाँ पर आके मेरे साथ क्या हो रहा है। अंकल आप आ चुके हो, आपने बहुत देर कर दी। अंकल वो शैतान उस केव में है। क्या? आपके पीछे आऊँ? ठीक है, आपको फॉलो करता हूँ। ठीक है।
हे मिस्टर, मेरी बात सुनो, मैंने सब कुछ पहले ही देख लिया है उस केव के बारे में। वो केव यही है ना यहाँ पर सामने वाली? मैं इस केव को पहले से ही जानता हूँ। वो तो मैंने इसके ऊपर पहले कभी एक्शन नहीं लिया क्योंकि पहले यहाँ पे कोई नहीं रहता था, लेकिन अब तुम बोल रहे कोई शैतान आ चुका है तो मैं इस पे लीगल एक्शन लेने वाला हूँ। आपने बिल्कुल सही कहा मिस्टर पुलिस ऑफिसर, आप इस पे कड़ी से कड़ी इन्वेस्टिगेशन कीजिए। एंड मेरे पास एक गन है, मैं जा रहा हूँ अपनी गन से शैतान को मारने के लिए इसी केव के अंदर। मुझे पक्का पता है वो यहीं कहीं होगा और मैं उसको इजीली मार पाऊंगा। दोस्तों, क्या आपको पता है जब मैं उस केव के अंदर चला गया, ऑलरेडी सारी मिलिट्री को उस शैतान ने मार दिया है पहले से ही, और वो शैतान बहुत ही खुश हो रहा है क्योंकि उसने सभी को मार दिया है। और यहाँ पर एक लड़की हमारी जान को बचाने के लिए कुछ तो कर रही थी और वो भागती हुई मेरे भाई की ग्रेव के पास आ गई थी, लेकिन वो मेरे भाई की ग्रेव के साथ करना क्या चाहती है? उसके पास एक जादुई छड़ी है एंड ये क्या करने वाली थी इसके बारे में किसी को नहीं पता था। और ये क्या कर रही है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, ये क्या हो रहा है यहाँ पर, ये क्या कर रही है, कोई जादू? हाँ, मेरा भाई जिंदा हो गया। अरे मैं जिंदा कैसे हो गया, तुमने मुझे जिंदा करा। अरे थैंक यू मुझे जिंदा करने के लिए, लेकिन यहाँ हो क्या रहा है? ओबे प्लीज मुझे कोई कुछ बताओ, यहाँ पे ये कौन है और यहाँ हो क्या रहा है? तुम मुझे कुछ देना चाहती हो? अरे ये क्या, मैजिकल स्टिक, इससे क्या होगा? अरे वाह, एक मैजिकल स्टिक मिल चुकी है। चलो ठीक है, मैं अपना बदला लूंगा उस मॉन्स्टर से जिसने मुझे खाया था। अब मैं जा रहा हूँ उसको मारने के लिए। ये क्या, यहाँ तो तबाही आ चुकी है। अबे ये कौन है, ये तो स्कैरी मिमिकर लग रहा है। ओ रुक जा, तू भाग नहीं सकता, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं, तुझे मैं भागने नहीं दूंगा। ये ले, अबे तुझे छोड़ूंगा नहीं, ये ले, अबे निकल यहाँ से, मेरे को खाएगा, तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे कभी नहीं खा पाएगा क्योंकि मैं हूँ एक खतरनाक इंसान। मैंने इस शैतान को तो मार दिया है, लेकिन मुझे लगता है इस शैतान ने मेरे भाई को अंदर ट्रैप करके रखा होगा। अब मुझे जाना पड़ेगा अंदर अपने भाई को बचाने के लिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि अंदर जाना इतना भी आसान नहीं होगा क्योंकि ये जगह वैसे भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन मैं रेडी हूँ अंदर जाके सभी को मारने के लिए, और मुझे लगता है अंदर बहुत सारे मॉन्स्टर्स भी होने वाले हैं। लेकिन जो मैं अपने पास गन लेके जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये काम आएंगी भी कि नहीं आएंगी, लेकिन सिर्फ मेरा एक गोल है, वो है मुझे अपने भाई को बचाना। तो चलो चलते हैं, यहाँ पे तो बहुत सारे स्केलेटन पड़े हैं। और ये क्या, यहाँ पे भी स्केलेटन एंड ब्लड है, एंड यहाँ पे एक डोर लगा है। चलो देखते हैं इसको खोल के इसके पीछे क्या होगा। चलो अबे एक और डोर, चलो इसको दोबारा से खोलते हैं। एंड यहाँ पे ये लोग कौन है? अबे ये क्या है? शिट, ये तो बहुत सारे मिमिकर लग रहे हैं, मेरे को कुछ दिख नहीं रहा, यहाँ पे बहुत अंधेरा है। ये लो, आजा मेरे पास, तू आ गया, तेरे भाई को तो मैंने मारा है और अब तुझे मारूंगा मैं। आजा मेरे पास बच्चे, आजा मेरे पास, जल्दी आ मेरे पास। अबे तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे खाएगा, तुझे छोड़ूंगा नहीं। अबे ये कौन है? सोनिक, ओ शिट, निकल यहाँ से सोनिक। चलो, लेकिन मेरा भाई कहाँ है, ये तो मेरे को पता नहीं लग रहा है। अबे मुझे बचाओ, मुझे खोलो। सुनिए, कुछ लोग इस विलेज में रहते थे, वो पूरी फॉर्म फैमिली अचानक गायब हो चुकी है, उसकी फैमिली में कोई नहीं बचा है, और इनके घर से जो हमें मिला है वो कोई सोच नहीं सकता है, बहुत सारा खून और कुछ डरावनी चीजें। लेकिन दोस्तों, ये तो मेरे भाई का घर है जो कि पूरा सुनसान पड़ा हुआ है, ये न्यूज में क्यों आ रहा है? इसका मतलब मेरा भाई कहीं गायब हो चुका है, डिसअपियर हो चुका है, और उसके घर में इतना सारा खून क्यों पड़ा है? कहीं उसके साथ कुछ चीजें तो डरावनी तो नहीं हुई है? और ये ऊपर क्या है, मेरे भाई के घर में ये सब क्या है, इतनी सारी मॉब्स की लाशें? ओह माय गॉड, ये बहुत डरावना घर हो चुका है उसका। लेकिन उसके साथ ये सब कौन कर रहा होगा? कोई तो पक्का है जो ये सारे काम कर रहा है, वरना ये बात
ऐसे न्यूज में नहीं आती। मेरे भाई को बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, अब मैं क्या करूं? अपने भाई को बचाने के लिए क्या करूं? ओ नो, बाहर बहुत पुलिस यानी कि बहुत भीड़ लगी है। रुको दोस्तों, मुझे जाना पड़ेगा अपने भाई के घर पे। एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा कि आखिर ये सारी बातें सच हैं या फिर नहीं। चलो अपने भाई के घर पे चलते हैं और देखते हैं कि अरे ये क्या, यहाँ तो बहुत सारा खून पड़ा है और मेरा भाई और उसकी फैमिली पूरी यहाँ से गायब हो चुकी है। इतनी जल्दी कोई यहाँ से, बल्कि हमारे बिल्कुल पड़ोस में रहते हैं ये लोग। और ये क्या, सच में यहाँ बहुत बदबू आ रही है। छी, कितनी गंदगी पड़ी है इस घर में यार, ये सब। और यहाँ पर एक सीक्रेट केव है, बेसमेंट। अरे यहाँ पर ये सब क्या है? यहाँ पर मेरे भाई ने एक बेसमेंट बना के रखी हुई है जो कि बहुत ही अजीब और गरीब है यार। और यहाँ पे एक चेस्ट भी है। चेस्ट के अंदर क्या है, चेक करते हैं फटाफट से। चेस्ट के अंदर हमें क्या मिलने वाला है? पता नहीं इस चेस्ट में हमें क्या मिलेगा, लेकिन ये बहुत बड़ी भूल भुलैया है। मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ। ओके चलो चेक करते हैं इसके अंदर। यहाँ बहुत सारे गोल्ड, डायमंड एंड पैसे और एक मिलिट्री सूट वाला आर्मर भी है। लेकिन इन सब चीज़ों का मेरा भाई करता क्या होगा? पता नहीं वो इन सब चीज़ों का क्या करता होगा, लेकिन ये सब चीज़ें तो बहुत ही बोरिंग है। ये सब ऐसा ऐसे मतलब कुछ क्रिएट हो रहा है, कोई स्टोरी टाइप। लेकिन भाई को किडनैप किसने करा है? वो है कौन? कौन है वो? हा 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 हा, तेरे भाई को किडनैप करने वाले हम हैं, हम और हमारी पूरी गैंग है। तेरे भाई को हम तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हम इनको पूरा कच्चा ना खा जाएं। बचाओ प्लीज, कोई बचाओ, हमें बचाओ, वरना ये हमें खा जाएंगे। दोस्तों ये विलेजर हमारे घर की तरफ क्यों आ रहा है हमें नहीं पता है, ये बहुत ही अर्जेंट काम हो सकता है। हम दोनों अपने घर के अंदर सो रहे होते हैं। अरे यार कौन है गेट पर? अबे विलेजर क्या हुआ तेरे को? अरे क्या हुआ? हाँ विलेजर क्या हुआ, क्या हम तेरे पीछे आए? चलो ठीक है, चल भाई इसके पीछे चलते हैं। हाँ चलो, ये बुला रहा है, फॉलो करते हैं इसको, देखते हैं ये हमें कहाँ पर लेकर जा रहा है। दोस्तों ये विलेजर हमको लेके आ चुका था एक केव के पास जहाँ बहुत सारे डायमंड थे। लेकिन हम लोग डायमंड के पीछे चले गए, लेकिन हमें नहीं पता है एक चुड़ैल और एक स्कैरी मिमिकर हमारा इंतजार कर रहे हैं पीछे। हमें उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था और वो हमें खाने के लिए तैयार थे। बिल्कुल सही कहा तूने चुड़ैल। दोस्तों रात हो चुकी है और हम लोग अपनी केव से बाहर निकल रहे थे माइनिंग करने के बाद। लेकिन जब हम लोग देखते हैं कि बाहर हमारा पूरा विलेज खराब हो चुका है, उसके ऊपर मकड़ी के जालों ने कब्जा कर लिया है। अरे भाई ये देख, हमारे विलेज को ये क्या हो गया? ये ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, फिर ये आज क्यों हो रहा है? यार हमें रात हो गई है माइनिंग करते करते और ये हम लोग क्या देख रहे हैं? भाई सच में पूरे विलेज पे वेब ही वेब लगाए, ऐसा कौन कर सकता है यार? पूरे विलेज में ये देख भाई, इस विलेजर की हालत क्या कर दी है। अरे नहीं, इसको तो जान से मार दिया है यार। ये कौन खतरनाक लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं हमारे साथ? इसको बचाना पड़ेगा। अरे क्या हुआ विलेजर, क्या हुआ तेरे को? हमें कुछ पता क्यों, कौन है पीछे, कौन है? ओ ये चुड़ैल और मिमिकर यहाँ पर क्या कर रहे हैं? भागो यहाँ से। वो तो सामने केव के अंदर जा रहे हैं जहाँ एक पोर्टल है भाई, वहां जाने से रोकना पड़ेगा उन्हें। हाँ भाई वो लोग तो एक पोर्टल के अंदर जा रहे हैं। एंड ये कितने बड़े बड़े हैं, मिमिकर देख भाई कितना बड़ा है। मैंने इसको पहले ही देख लिया था और ये अंदर की तरफ जा रहा है। भाई हमारे पास एक आइडिया है, ये लोग जहाँ जा रहे हैं हम उस बात का पता लगा सकते हैं
इनके पीछे जाकर हमें इन्हें फॉलो करना पड़ेगा। इस पोर्टल में जाकर अपनी जान को जोखिम में डालना पड़ेगा। अबे छोड़ भाई छोड़, मैं नहीं जाऊंगा, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। इतनी खतरनाक जगह है, डरावनी एकदम। लेकिन यहाँ तो हमें जाना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। लेकिन जाना तो पड़ेगा, बिना जाए कुछ नहीं होगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह हो चुकी है, आप लोग देख सकते हो। जल्दी उठ जा भाई, हमेशा सोता ही रहता है पागलों की तरह। क्या हो गया भाई, क्यों उठा रहा है, इतनी अच्छी नींद आ रही थी। बाहर से पुलिस की आवाजें आ रही हैं, ये पुलिस यहाँ पे क्या कर रही है। चलो जाकर देखते हैं सामने, ये तो वही पोर्टल है जो रात में इस कैरी चुड़ैल इसके अंदर गई थी। लेकिन ये पुलिस बिन बुलाए मेहमान की तरह यहाँ पे क्या कर रही है। मुझे लग रहा है विलेजर्स ने बुलाया है, क्योंकि कल सम अटैक हो गया था पूरे विलेज पे। हाँ ये बात तो सही है पुलिस अंकल, क्या आपको इन सारी बातों के बारे में मालूम है। देखो बच्चों, मुझे इन सब बातों के बारे में मालूम है, तुम लोग पीछे रहो, अंदर मत आओ, वरना तुम्हें परेशानी होगी। इन सब बातों को हम लोग पूरा सॉल्व कर लेंगे, तुम यहाँ से दूर रहो, वरना तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। मैं इसके अंदर जाऊंगा और देखूंगा कि अंदर क्या है। मैं जा रहा हूँ इसके अंदर। लेकिन नहीं, वहाँ ऐसे मत जाना, वो कोई सिंपल जगह नहीं है। मेरी बात तो मानते पुलिस अंकल। भाई पुलिस अंकल ने हमारी बात नहीं मानी और अब उनकी जान भी जा सकती है। ये देख भाई, वो चुड़ैल कैसे खा रही है। इतना बढ़िया खाना, अरे वाह, मजा आ गया, मजा आ गया। आजा मेरे पास, आजा, तुम दोनों मेरे पास आ जाओ, इसको खाने में बहुत मजा आ रहा है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, ये चुड़ैल मुझे खा रही है, कोई मुझे बचाओ, पुलिस ऑफिसर्स मेरी हेल्प करो, कोई तो मुझे बचाओ, मैंने गलती कर दी। आप चिंता मत करो पुलिस अंकल, मैं आपको बचा लूंगा। भाई इसको मार चुड़ैल को। हाँ हम इसको बचा लेंगे। अबे इसको मारो, अबे ये ले। अबे भाई इसने तो पूरा खा लिया पुलिस अंकल को। अरे नहीं, ये खींच रही है हमको। वो अंदर जा रही है, उसको अंदर जाने से रोकना है, वो अंदर ना जा पाए। और अगर वो अंदर चली गई तो नहीं, वो चली गई अंदर। ऐसा नहीं हो सकता यार, वो अंदर जा चुकी है। अगर ये अंदर चली गई तो फिर हाँ, मुझे लगता है वो मर चुकी है, हम लोगों ने उसे मार दिया है ना भाई। यस ब्रो, हम लोगों ने फाइनली उस स्कैरी चुड़ैल को मार दिया, अब हमारे विलेज को कोई भी खतरा नहीं है। लेकिन ये देख इसकी क्या हालत हो चुकी है। ओ शिट यार, पुलिस अंकल तो मर गए और ये बहुत ही दुख की बात है। सॉरी पुलिस ऑफिसर्स, तुम्हारे इंस्पेक्टर की मौत हो गई है और इसका मेरे ऊपर कोई भी जुल्म नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं करा है, सारा जिम्मा स्कैरी चुड़ैल का है। और अब बाकी है स्कैरी मिमिकर जो आज रात निकलने वाला है, मुझे लगता है कि वो बाहर आ रहा है। मेरी बहन चुड़ैल को किसने मारा, किसकी हिम्मत हो गई मेरी बहन चुड़ैल को मारने की। जिसने भी मेरी बहन चुड़ैल को मारा है, मैं उसकी पूरी दुनिया को ही खत्म कर दूंगा। तुम लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है, मैंने किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया, तो तुम लोग बहुत ही हीरो बनने लगे। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ, आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तुम्हारे घर के साथ तुम्हें जिंदा जला दूंगा। यार ये बाहर से इतनी आवाजें क्यों आ रही हैं? हमारे ऊपर ये कौन है, ये तो स्कैरी मिमिकर लग रहा है मुझे। हाँ भाई मिमिकर है, और ये हमारे घर के ऊपर क्या कर रहा है। ओबे तो बहुत बड़ा है। शिट भाई देख, वो यहाँ पे आ चुका है, लग रहा है वो अपनी बहन चुड़ैल का बदला लेने के लिए आया है। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, जल्दी हमें अपनी सारी की सारी गन्स को इकट्ठा करना पड़ेगा, उसके बाद हमें इसको मारना है। मारो इसको मिमिकर को, ये बचने ना पाए। हाँ हमने जैसे चुड़ैल को मारा था, हमें इसको भी
ऐसे ही मारना पड़ेगा, वरना हमें और हमारे विलेज को कोई नहीं बचा सकता। बिल्कुल, हमें इसको वैसे ही मारना है जैसे हमने बाकी लोगों को मारा था। नहीं नहीं, तुम लोग मुझे नहीं मार पाओगे, तुम लोग मुझे नहीं मार पाओगे। आ, आ, मैं नहीं मर सकता। आ, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैं कहता हूँ मुझे छोड़ दो। तुम लोग मुझे नहीं मार सकते, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। अब तो कुछ भी कर ले, लेकिन स्कैरी मिमिकर, अब तू हमारे हाथों से नहीं बचेगा। मैंने कहा था ना, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैंने तुझे मार दिया है भाई, देखा? भाई ये ज्यादा हंस रहा था, लेकिन इसका काम तमाम हो चुका है, फाइनली हमने इन दोनों को मार दिया। यस ब्रो।